अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों के पकोड़े। देखें किस तरह से इसको छीलना है। अब यहाँ मैंने 18 हरी मिर्चियाँ ली हैं, 1/3 कप लहसुन लिया है। हरी मिर्चियाँ आप कम भी कर सकते हो। 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालें, नमक डालें टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लें। 2 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें ऐड करें पिसा हुआ मसाला। स्पून से मसाले को निकाल लें। अब इसको पानी से मिक्स करें। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, वाटरी इसको नहीं करना है, ये गाढ़ा होना चाहिए। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से, मसाले में भी हमने नमक डाला था उसके हिसाब से यहाँ आप नमक ऐड करें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें, मिक्स करें। 4 टीस्पून तिल ऐड करें, सफ़ेद तिल। 1/3 कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें, मिक्स करें। अब इस पे बेसन का लेप लगाएं जो हमने बनाया है, एक एक पत्ते पे इस तरह से। दूसरा पत्ता उल्टी डायरेक्शन में रखें और फिर लेप लगाएं। तीसरा पत्ता उसकी उल्टी डायरेक्शन में रखें। इस तरह से आप लेप लगाएं और इसको रोल करें। देखें यहाँ मैंने 3 रोल बना लिए हैं। 3 बंडल पत्ते थे, उनके मैंने ऊपर नीचे रखते हुए 3 रोल बना लिए हैं। इस पर अब तेल लगाएं, स्टीमर में पानी भरें। अब ये जाली रखें, इस पर भी आप तेल से ग्रीस करें इसको। इस तरह से मैंने रोल्स को भी आगे पीछे से तेल लगाकर रख दिया है स्टीमर में। अब इसको ढककर रखें 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पंद्रह मिनट में ये रेडी हो चुके हैं, गैस ऑफ कर दें। अब इनको कट करें।
देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। अब इनको फ्राई करें। मैं यहाँ शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। एक तरफ क्रिस्पी हो गए हैं, दूसरी तरफ टर्न करें। क्रिस्पी होने तक के इनको अलट पलट करके फ्राई करें। दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इनको निकाल लें। बचे हुए आप फ्रिज में भी रख के दूसरे दिन भी फ्राई कर सकते हो। अरवी के पत्तों के पकोड़े तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।